फाइनली पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में GTA आर्केड एमुलेटर में फ्री फायर को खेलने वाले अपने लो एंड पीसी में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एमुलेटर के बारे में बताने वाला हूं, इसमें जो हम सेटिंग यूज करने वाले हैं वो ओनली फ्री फायर की सेटिंग होगी। अगर आप इस एमुलेटर में कोई और गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं उसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाई, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी। इस वाली वीडियो की जाने वाली हर सेटिंग ओनली फ्री फायर गेम को देखकर बनाई गई है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। और इस वीडियो में जो है सारे के सारे एरर भी फिक्स किए गए और कैसे लो एंड पीसी में प्ले करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको GTA आर्केड एमुलेटर डाउनलोड करना है। अब ये एक ऑफलाइन सेटअप है और एक मोडेड सेटअप है जो कि फ्री फायर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट फाइल्स हैं जिनको डिलीट कर दिया गया, इसकी वजह से आप आराम सुकून से जो है इसको फ्री फायर में चला सकते हैं और इसमें ब्लैक स्क्रीन का भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और ये फुली ऑफलाइन सेटअप है। और दूसरा आपको मिलेगा फ्री फायर। फ्री फायर को कैसे डाउनलोड करना है देख सकते हैं, ये APK एंड OBB है। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया होगा। इस वाली वेबसाइट में आपको फ्री फायर का हो सकता है आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो आपको इसका लेटेस्ट अपडेट इधर से मिल जाएगा। आपने यहाँ पे जाना है सर्च बार में, यहाँ पर आपने सर्च करना है फ्री फायर। तो जैसे आप सर्च करेंगे इस तरीके से आपको सर्च रिजल्ट आएंगे, सबसे ऊपर मिल जाएगा लेटेस्ट ग्रीन है फ्री फायर APK एंड OBB। हो सकता है आपका कोई और अपडेट आया हो, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये अपडेट है फ्री फायर का। यहाँ पर आपको APK मिल जाएगा एंड OBB मिल जाएगा, आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। अब करेगा सबसे पहले GTA आर्केड एमुलेटर को ओपन करें एंड यहाँ पर आपको जितनी भी फाइल्स मिलती है आपने अपने दिस पीसी में जाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में दो लोकल्स है और मेरी विंडो जिसमें इंस्टॉल है वो है लोकल सी, तो मैं इसमें जाता हूँ। और ये हार्ड डिस्क SSD नहीं लगी हुई एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा GTA आर्केड एमुलेटर। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है GTA आर्केड एमुलेटर का, तो ये मैंने किया हुआ, इसको ओपन करें। जितना भी आपको मटेरियल इधर दिख रहा है इधर लाके पेस्ट करें एंड GTA आर्केड एमुलेटर में आपको बिन में जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा GTA आर्केड एमुलेटर, राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट कर ले। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, कंपैटिबिलिटी में जाएं। ये जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं सबको आपको अप्लाई करना है। GTA आर्केड एमुलेटर जो कि इसमें लॉगिन को जो है वो यहाँ पे बाईपास किया गया, तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि हो सकता है जब आप इसको लॉन्च करें तो ब्लैक स्क्रीन है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी में जाना है एंड यहाँ पे विंडोज 7 सेलेक्ट करना है। बट स्टिल मेरा यहाँ पे इसके बगैर ही चल रहा है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपने इसको सिंपल अप्लाई करके ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने GTA आर्केड एमुलेटर को लॉन्च करना है। GTA आर्केड एमुलेटर आपको कुछ और तरीके से भी ऑन हो सकता है जो कि मैंने इसकी फुली ऑप्टिमाइजेशन वीडियो बनाई थी। और पब्लिक यहाँ पे मेरा एक रिस्क ये भी हो गया कि मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना दी और बाद में मुझे पता चला कि भाई मेरा माइक्रोफोन ही खराब है, तो मैं ये नया माइक्रोफोन लेकर आया जिसकी वजह से यार सारी सेटिंग मैंने अप्लाई कर दी थी और वीडियो भी पूरी बना दी थी, बाद में पता चला कि माइक ही खराब है। इसलिए ये सारी सेटिंग ऑलरेडी अप्लाइड हुई हुई है, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने बता चुका हूँ अप्लाइड है इस एमुलेटर में वो सारी सेटिंग, इसलिए इतना वो स्मूथ चल रहा है। तो GTA आर्केड एमुलेटर हमारा ओपन हो चुका है, आपको सिस्टम स्टॉप का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल हम करते हैं इसकी सेटिंग में जाते हैं। आप ध्यान से सुन ले, रूट परमिशन को अनेबल नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे लॉक के ऊपर जाके सबसे पहले आपको 1GB रैम सेलेक्ट करना है एंड ग्राफिक्स मेमोरी में आपको स्पीड के ऊपर रख देना है एंड यहाँ पर आपको जो है ये वाली सबसे लो एंड पॉसिबल वाली रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है, लेकिन ये मोबाइल के ऊपर जाके आपको करनी है, टैबलेट में नहीं करनी। अगर आपका इस पे भी जो है ना नहीं चल रहा, गेम नहीं चल रहा, एमुलेटर तो लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऊपर जाओ, जो मैंने आपको ये रेजोल्यूशन बताई ये वाली सिलेक्ट करो, 800 600 240 वाली विड्थ सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं जो है वो यहाँ पे मोबाइल मोड पे लो एंड पॉसिबल पे जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सबसे लो एंड है मोबाइल वाली, ये हाई एंड में बता रहा लेकिन इस पे भी नहीं चल रहा, तो दूसरी वाली सेटिंग अप्लाई करो। गेम सेटिंग में जाओ, यहाँ पे 16 FPS सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे टर्न ऑन इसको अनचेक करो, AX टेक्सचर को भी अनचेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल्स में जाना है आपको एंड यहाँ पे सबसे ऊपर जो डिवाइस दिख रही है ओप्पो की वो सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। रिस्टार्ट का मांगेगा, जो कि मैंने सेटिंग सारी अप्लाई कर रखी है तो जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने एमुलेटर की सेटिंग में। यहाँ पर मैं ना आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपका लैग रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल। लोकेशन में जाओ एंड इसको ऑफ करो एंड पब्लिक यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का, इसको लॉन्च करें। यहाँ पर आपको जितनी भी चीजें दिख रही है इसको ऑफ करो, गूगल प्ले स्टोर की जरूरत नहीं है इसमें। गूगल प्ले स्टोर ना जो ना जिस भी एमुलेटर में देखेंगे उसको हैवी बनाता है गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के जो अपडेट्स है ना वो बहुत ज्यादा आते हैं। अभी देखते देखते पब्लिक एक अपडेट आया था इसमें, तो शायद आपने वीडियो के पीछे देखा हो, तो इसको डिसेबल करें, फोर्स ऑफ करें, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है हमें और इसको कभी भी यूज मत करें। अगर आपने अपडेट करना है कर ले, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इसको यूज करें। देखें ये फेसबुक एप्लीकेशन है, जरूरत नहीं है इन सबको डिसेबल करें, और फेसबुक को तो आपको जरूर जो है ना डिसेबल करना है। मैं जो सेटिंग बताने वाला हूं ध्यान से देखना, अबाउट में जाके यहाँ पे बिल्ट नंबर के ऊपर क्लिक करें और ये जो एमुलेटर इसको आप PUBG के लिए भी खेल सकते हो यार, बड़ा मजे का एमुलेटर है, यकीन करें। अच्छा बैक जाना है एंड यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ वो फॉलो करें, और एक हिडन सेटिंग भी है यहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ, जो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सेटिंग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 320 मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखें ये बड़ा बड़ा हो गया जिससे आपको वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। लेकिन आपने यही रखनी है, ध्यान से देख लेना, इससे होगा क्या आपके ग्राफिक्स जो है ना वो ज्यादा रेंडर करने में आपके सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी सेटिंग, इसको आपने जरूर रखना। तो अब नीचे जाना है, GPU रेंडरिंग को आपने 4MS, A को भी
इन दोनों को ऑन कर लेना है आपको, ठीक है। अब आपको जो फ्री फायर का लोगो दिख रहा है, अभी आपने करना है कि यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करें एंड ओपन पीसी फोल्डर, इसको ओपन करें एंड यहाँ पे आपने जो है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जो आपको फ्री फायर दिख रहा है इसको कट करें एंड इसमें लाके पेस्ट कर दे। पेस्ट कर दिया उसके बाद आपने जाना ओपन एंड्रॉइड फोल्डर एंड यहाँ पर इस तरीके से आएगा, आपने डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फ्री फायर शो हो जाएगा। सबसे पहले फ्री फायर को इंस्टॉल करें एंड हिट ओपन। आपकी की मैपिंग ऑटो सिंपल होगी, इनकेस अगर नहीं हो रही तो कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करो, अपने एमुलेटर को सिंपल रिस्टार्ट मार लो पब्लिक। अभी इसको कट करते हैं, ये इशू जब आपको आए ना ये वाला, तो इसको बंद करें, ये इशू हमें लाना है एंड यहाँ पर आपको जो मेन वाली फाइल दिख रही है ना इसको कॉपी करें एंड बैक जाते हैं एक दफा। एक इसमें इशू आएगा कि ये बग हो जाएगा, ठीक है, ये बग हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे ना तो ऊपर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये कभी कभार नहीं आता, ठीक है। आपने कहाँ जाना है, ओबीबी में जाना है, कंप्यूटर फ्री फायर, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना इसको फाइल को। यहाँ पे हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, फ्री फायर को सिंपल लॉन्च करना है। अगर आपके सिस्टम में प्रोसेसर पावरफुल लगा हुआ है ना, प्रोसेसर थोड़ा सा पावरफुल है, तो टास्क मैनेजर में जाओ एंड यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको एक मिलेगा एमुलेटर करके, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा रिसोर्सेज खा रहा होगा तो इधर से आपको पता चल जाएगा। गो टू डिटेल्स में जाना है एंड यहाँ पर आपने इसको हाई प्रायोरिटी कर देना। मेरे पास इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, तो अगर आपके पास प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो आप इसको हाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पेज में आएंगे, यहाँ पर आपको सारे लॉगिन मिलते हैं इसमें, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं फेसबुक का। अब फेसबुक अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता तो आपने वीडियोस देख लेनी मेरी कोई भी एमुलेटर की, अभी फिलहाल मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो आगे बहुत लंबी होगी, तो हम सिंपली लॉगिन करें। तो जैसे यहाँ पे हमारा फ्री फायर यहाँ पे चलेगा तो आपने करना क्या है, देख सकते हैं पहले इसकी की मैपिंग आपने देख लेनी है। तो जो इसमें ऑटो की मैपिंग मिलती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलती है, लेकिन अगर आप मैनुअल की मैपिंग करना चाहो, मैनुअल रेजोल्यूशन रखिए खुद की, जैसे कि मैं इसकी आईपैड रेजोल्यूशन पे खेलता हूँ यार बड़ा मजा आता है, तो अगर आप इसकी मैनुअल रखना चाहते हो तो सेट के ऊपर जाए एंड जो मैं ये देख सकते हैं सारी सेटिंग आपको मिल रही है, वैसी सेट यार बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैं इसकी कोई भी सेटिंग नहीं छोड़ूंगा, मुझे परफेक्ट सेटिंग देता है ये एमुलेटर। इस तरीके से आप फ्री फायर को जो है वो अपने लो एंड पीसी में खेल सकते हो। फुल स्क्रीन करना है तो इधर से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna erase, let's face it. I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you